भगवान शंकर जैसे नंद भवन आए हैं कन्हैया का दर्शन करने, ऐसे प्रिया जी का दर्शन करने के लिए यहाँ भगवान शंकर पीली पोखर पर आकर के बैठ गए इस स्थान पर। सुबह के बैठे सायंकाल हो गया। सायंकाल को प्रिया जी अपनी आठों सखी और कन्हैया और मधुमंगल के साथ में नित्य विहार के लिए यहाँ आई हैं। जब बाबा ने देखा कि हाँ आ गए दर्शन हो गया, बड़े प्रसन्न हुए। पर बाबा ने देखा कि भाई ये तो सब छोटे छोटे, मैं इतना बड़ा, तो यहाँ बाबा ने भी बाल रूप धारण किया। यहाँ जो मंदिर में जो विग्रह है, जो बाबा की पिंडी है, इस पिंडी के अंदर में इतना ऊंचा और इतना मोटा और बीच में से इतना सा रह गया था, वो माने विलुप्त होने के कगार पे था। तब फिर चांदी की अष्ट धातु की पिंडी बनवा करके फिर उस विग्रह को इसके अंदर में सुरक्षित किया है और फिर पुनः प्राण प्रतिष्ठा करा करके ये प्राचीन विग्रह है। तो बाबा ने यह बाल रूप धारण किया, किशोरी जी की नज़र पड़ी, बोले अरे सखियों देखो एक बालक साधु बैठा है, चलो सत्संग करेंगे। तो दौड़ करके जब पास में आई हैं, सामने जब देखा, अरे तो बालक साधु नहीं है, ये तो चंद्रमा ललाट, गंगा जी की धार, ये तो साक्षात सदाशिव हैं। जैसे ही सामने आई, बाबा उठे और चरणों में लेट गए, प्रणाम किया। प्रिया जी ने बाबा आज आपके दर्शन भए, बोले कि किशोरी मैं तो तेरे दर्शन के काज पधारा हूँ, कैलाश छोड़ के यहाँ आए हूँ, क्योंकि भवन में तो मेरा प्रवेश नहीं होता, तो मैंने कहाँ जाके मुख दर्शन मिलेंगे किशोरी जी के। बोले ये उनका निजी सरोवर है, यहाँ जरूर आएंगे, इसलिए जो है मुझको यहाँ बैठना चाहिए, तो मैं यहाँ बैठ गया और आपके दर्शन हो गए। तब प्रिया जी के निवेदन करने पर, प्रिया जी के कहने पर या प्रिया जी के आदेश के अनुसार, बोले कि बाबा अब आप यहीं विराजमान हो जाओ, आपका नित्य दर्शन करने के लिए आऊँगी, नित्य आपको दर्शन देने आऊँगी। उसी दिन से बाबा यहाँ विराजमान हो गए। प्रिया जी द्वारा स्थापित होने पर प्रियेश्वर नाम पड़ा, राम जी ने स्थापित किए रामेश्वर नाम पड़ा, नंद बाबा ने स्थापित किए तो नंदीश्वर नाम हुआ। ऐसे ही यहाँ प्रिया जी द्वारा ये शंकर जी का मंदिर स्थापित है, प्रियेश्वर इसका नाम है, ये यहाँ की महिमा है।